हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताया था। इसके लिए एक आपको इंडेक्स भी बनवाई थी जिसमें चार कॉलम बनवाए थे। एक तो बनवाया था डिस्पर्स्ड फेज, एक बनवाया था डिस्पर्सन मीडियम, एक उसका टाइप किस प्रकार का है, एरोसोल है, फॉर्म है, जेल है, सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, एक उसके टाइप्स के बारे में भी आप लोगों को बताया था। लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स को कंटिन्यू कर दिया था, ठीक है, और ये कंप्लीट भी हो चुका था कि सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर क्या होता है, सॉलिड का आपके लिक्विड है, लिक्विड का गैस में, गैस का गैस में, गैस का लिक्विड में, लिक्विड का गैस का, सॉलिड का गैस का, गैस का सॉलिड का, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था। आज के इस वीडियो में कॉलोइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें, लर्न करते रहें, टेस्ट में भी अच्छे नंबर आप प्राप्त करते रहें, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू बीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और आपको नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं तो कॉलॉइड जो होता है वो हेट्रोजीनस नेचर का होता है। पार्टिकल की साइज जो लाइज करती है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाइज करती है। कॉलॉइड के दो कंपोनेंट्स कंटेन करता है, ये डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्जन मीडियम है आपके, और डिस्पर्स फेज के बारे में इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है जो आगे कंटिन्यू करेंगे। और राहुल सर का वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। और कमेंट बनता है यदि तो कमेंट जरूर करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स की तरफ चलते हैं। तो आपको लास्ट वीडियो में राहुल सर ने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स के बारे में बताया था, ठीक है। और आप लोगों को एक पॉइंट जरूर लिखवाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, कि अ कॉलॉइड इज अ हेट्रोजीनस इन नेचर, की कॉलॉइड जो होता है वो हेट्रोजीनस नेचर का होता है। आगे के पॉइंट मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ठीक है, फिर उसको मैं लिखवाऊंगा। जो पार्टिकल की साइज होती है कॉलॉइड के वो लाइज करती है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, और हो सकता है कि इतनी छोटी हो कि हम क्या है मतलब स्मॉल साइज के होते हैं कि उन्हें नेक डाइट से हम देख सकते हैं, ठीक है। और यदि फिल्टर पेपर की बात करें तो होमोजीनस जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनस सॉल्यूशन उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। कॉलॉइड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग पाथ बनाते हैं। मैं बनाकर के बताऊंगा, जिगजैग होती है जैसे जिगजैग इस तरीके से जिगजैग पाथ बनाते हैं, ठीक है। और आप ऐसे समझ सकते हो कि जो रैंडमली जिगजैग मोशन होता है, पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो भी जिगजैग मोशन होगा जो कि रैंडमली होगा, ठीक है। तो रैंडमली जिगजैग मोशन जो होता है कोलोइडल के पार्टिकल्स, जो कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं उसे बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। मैं उसके बारे में भी आप लोगों को लिखवाऊंगा, ठीक है। कॉलोइड का जो सॉल्यूशन होता है वो एक क्वाइट स्टेबल होता है, यानी कि वो स्टेबल तो होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, क्वाइट स्टेबल होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ यदि आप उसको जब अनडिस्टर्ब्ड करोगे, यानी कि जब उसको छेड़छाड़ी नहीं करोगे, तो पार्टिकल्स उसमें नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं होते। जो ये पॉइंट्स आप लोगों को हिंदी में समझाए थे राहुल सर ने, उन्हीं पॉइंट्स को आगे इंग्लिश में लिखवाने जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है, लेट्स बी स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दी थी। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख चुके थे, मैं आप लोगों को लिखवा चुका था, ठीक है। अ कॉलोइडल इज होमोजीनस इन नेचर, सेकंड पॉइंट पर कंटिन्यू कीजिए आप, ठीक है। पार्टिकल्स, ठीक है, लिखिएगा पार्टिकल्स, पी ए आर टी आई सी एल ई एस, ठीक है। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स किसके पार्टिकल्स हैं? जो कॉलोइड्स के पार्टिकल है, तो पार्टिकल की जो साइज है, पार्टिकल साइज, पी ए आर टी आई सी एल ई एस, पार्टिकल साइज ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा कॉलोइड, सी ओ डबल एल ओ, ठीक है, आई डी एस, कॉलोइड्स, ठीक है। लाई एल आई ई, लाई करती है बिटवीन, लाई बिटवीन कितना, 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर देख लीजिएगा, 1 नैनोमीटर, ठीक है। और 1 नैनोमीटर से कितने के बीच में लाइज करती है, एंड, ठीक है, 100 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाइज करती है, ठीक है। और हो सकता है कि इतनी छोटी भी हो, आ एंड टू, टी डब्ल्यू टू, ठीक है, स्मॉल आगे लिखेगा, टू स्मॉल, एस एम ए डबल एल, टू स्मॉल, ठीक है,
ऐसे में डबल एल स्मॉल टू टी ओ बी बी सीन जिन्हें नेक्ड आई से देख सकते हैं एच डब्ल्यू एन सीन बेल ठीक है नेक्ड एन ए के ई डी नेक्ड आईज ई वाई एस इतनी स्मॉल होती है कि आप उन्हें देख सकते हैं, ज्यादा स्मॉल भी नहीं होती। तो मैंने यहां लिखवाया राहुल सर ने कि पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइड लाई बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर एंड टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आईज ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए जो लाइट पास होती है तो देखिए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से वो होमोजीनस सॉल्यूशन से पास हो जाती है ठीक है। अगली लिखिए दे पास टी एच वाई दे पास पी ए डबल एस दे पास थ्रू टी एच आर ओ यू जी एच थ्रू ठीक है द ऑर्डिनरी ओ आर डी आई एन ए आर वाई द ऑर्डिनरी ठीक है फिल्टर पेपर एफ आई एल टी ई आर फिल्टर पेपर ठीक है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ठीक है लाइक एल आई के लाइक होमोजीनस एच ओ एम ओ जी ई एन ई ओ यू एस ठीक है होमोजीनस ठीक है सॉल्यूशन वो होमोजीनस सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनस सॉल्यूशन जो होता है वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो सकता है सॉल्यूशंस के बाद फुल स्टॉप लगाइए। इन स्पेशल फिल्टर जो ऐसे फिल्टर होते हैं जिनसे होमोजीनस सॉल्यूशन पास हो जाता है इन स्पेशल फिल्टर को बोला जाता है ध्यान रखना इन स्पेशल फिल्टर्स को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या बोला जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद स्पेशल ठीक है और ध्यान दीजिएगा जो आपको थ्योरी है वो राहुल सर खुद बना करके लिखवा रहे हैं ठीक है और 11, 12 मतलब बोल सकते हो आप एक स्टैंडर्ड थ्योरी आप लोगों को लिखवाई जा रही है सो प्लीज टेक इट सीरियसली इसको सीरियसली ले और जो वर्ड्स राहुल सर बोल रहे हैं जो लिरिक्स मैं बोलता हूँ जो वर्ड्स बोलता हूँ उनको ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं मैं हर वीडियो बोलता हूँ मेरे शब्दों पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। स्पेशल फिल्टर पेपर एफ आई एल टी आर फिल्टर ठीक है पेपर पी ए पीई आर पेपर कॉल्ड इन स्पेशल फिल्टर पेपर को क्या बोला जाता है ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहां लिखवाया स्पेशल फिल्टर पेपर कॉल्ड ठीक है अल्ट्रा ठीक है क्या बोलते हैं अल्ट्रा यू एल टी आर अल्ट्रा फिल्टर एफ आई एल टी आर फिल्टर पेपर अल्ट्रा फिल्टर एफ आई एल टी ई आर अल्ट्रा फिल्टर एक सेकेंड ठीक है इन्हें बोलते हैं एक सेकेंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर ठीक है पी ए पी ई आर एस पेपर्स बोलते हैं ठीक है। और इनका जो यूज होता है आर यूज्ड ठीक है आर यूज्ड टू सेपरेट एस ई पी ई आर ए टी इनका यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए कौन से पार्टिकल्स जो कि डिस्पर्सन मीडियम होता है ना उस डिस्पर्सन मीडियम में पार्टिकल्स को सेपरेट करने के काम में आता है आर यूज्ड टू सेपरेट दीज पार्टिकल्स टी एच ई एस ई दीज पार्टिकल पी ए आर टी आई सी एल एस दीज पार्टिकल्स फ्रॉम द ठीक है डिस्पर्सन डी आई एस पी ई आर एस आई ओ एन डिस्पर्सन मीडियम ठीक है एम आई एम ई डी आई यू एम डिस्पर्सन मीडियम। अगला पॉइंट मैं कंटिन्यू कर रहा हूं लेकिन आपको एक लाइन का गैप दे करके लिखना है ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा जो कोलॉइड होते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं ए कोलॉइड सी ओ डबल एल ओ आई डी ठीक है ए कोलॉइड हैज ठीक है कितने कंपोनेंट होते हैं टू टी डब्ल्यू टू कंपोनेंट सी ओ एम पी ओ एन ई एन टी एस टू कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है। फर्स्ट लिखिएगा फर्स्ट लिखिएगा डिस्पर्स्ड या डिस्पर्सन कुछ भी लिख लें डिस्पर्स्ड फेज पी एच ए जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं क्या होता है डिस्पर्स फेज कि इस डिस्पर्स फेज के अंदर कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस मीडियम में क्या हो जाते हैं मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं समझा चुका हूं पहले भी पहले के लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं कि डिस्पर्स फेज के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं मीडियम के अंदर ठीक है और एक स्मॉलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं ठीक है मतलब फेज से इनका प्रोपोर्शन कम होता है और एक आएगा डिस्पर्सन मीडियम की ऐसा मीडियम जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं डिस्पर्स्ड हो जाते हैं ऐसा मीडियम जिसमें कि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं डिस्पर्स्ड हो जाते हैं ठीक है। तो आगे लिखिएगा क्या लिखवा है डिस्पर्स फेज एंड सेकेंड नाम आपको पता ही है डिस्पर्सन डी आई एस पी ई आर एस आई ओ एन डिस्पर्सन मीडियम एम ई डी आई यू एन डिस्पर्सन मीडियम फुल स्टॉप। फिफ्थ पॉइंट को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बट आपको एक लाइन का गैप देकर के लिखना है देख लीजिए कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं सुनिएगा वो क्या एक पाथ फॉलो करते हैं एक रास्ते को फॉलो करते हैं उस रास्ते का नाम है जिगजैग पाथ क्या पाथ है जिगजैग
कोलोइडल आगे लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, COLLOIDAL कोलोइडल, ठीक है, पार्टिकल्स PARTICLES कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, फॉलो FOLLOW फॉलो ए, ठीक है, जिग जैग GZIG डैश ZAG मैंने लिखा है जिग जैग, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर राहुल सर ने, जिग जैग, जिग जैग पाथ को फॉलो करते हैं, PATH पाथ फुल स्टॉप। ये जिग जैग जो पाथ होता है, इस पाथ में कोलोइडल पार्टिकल्स देख लीजिए, कोलोइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं और कौन सा मोशन क्रिएट करते हैं, जिग जैग मोशन, मतलब उन कोलोइडल पार्टिकल्स का कौन सा मोशन कहलाएगा, जिग जैग मोशन, ठीक है, जो कि रेंडमली होगा और जिसे बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट, क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। और ये फिफ्थ पॉइंट पर आप स्टार लगा दीजिए, ध्यान रखिएगा फिफ्थ पॉइंट पर डबल स्टार लगा दो, आप क्या लगा दो, डबल स्टार, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसमें से बीच में से क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन बनते हैं, द रैंडम RANDOM द रैंडम जिग जैग ZIG ZAG रैंडम जिग जैग मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ, ठीक है, कोलोइडल COLLOIDAL कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, एज, ठीक है, कॉल्ड CALLED इज कॉल्ड द, इसे क्या बोलेंगे, ब्राउनियन BROWNIAN ब्राउनियन, ठीक है, मूवमेंट MOVEMENT इसे ब्राउनियन मूवमेंट बोलेंगे, और इसको कर दीजिए ब्राउनियन मूवमेंट को डबल अंडरलाइन, क्या कर दीजिए, डबल अंडरलाइन कर दीजिए, ब्राउनियन मूवमेंट होता है। आपसे पूछे कि व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, कि ऐसा मूवमेंट जिसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उन कोलोइडल पार्टिकल्स रेंडमली जिगजैग मोशन करें, तो उसे बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। अब आपको नोट डाल करके एक वो लिखवा रहा हूं मैं, पहले डायग्राम बनवाऊंगा फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा कि जो मोशन होता है कि इस मोशन को आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इस मोशन को आपको देखना है कि सर हमें दिखाइए कि ये मोशन होता कैसे। तो इसके लिए मैं बता दूं कि एक डार्क रूम, जैसे एक अंधेरा एक कमरा हो जिसमें क्या हो, बिल्कुल अंधेरा हो, डार्क रूम में जाकर के देखें कि जो सन की जो लाइट होती है अगर उस डार्क रूम में एंटर करती है और अपन वहां पर एक छेद कर देते हैं, उस मतलब उस डार्क रूम में एक छेद कर देते हैं और उस छेद के थ्रू सन की रेज उस कमरे में आती है, ठीक है ना, और उसमें क्या होता है कि जो बीम ऑफ लाइट होती है, ठीक है, वो स्क्रीन, आप उस कमरे में डार्क रूम में एक स्क्रीन लगा दो, एक फिल्म लगा दो, क्या लगा दो, फिल्म FILM क्या बोलते हैं, फिल्म, एक पतली झिल्ली लगा दो उस छेद के सामने, मतलब एक डार्क रूम है उसमें दीवार में हमने क्या एक हॉल कर दिया, उस हॉल पर उस हॉल के सामने हमने एक स्क्रीन लगा दी, क्या लगा दी, एक फिल्म लगा दी, तो हम देखेंगे जैसे ही सन की लाइट उस पर रेज गिरती है तो उस हॉल्स के थ्रू किस में जाती है, उस डार्क रूम में, और किस पर फॉल्स ऑन होती है, किस पर गिरती है वो, उस पर क्या बोलते हैं, स्क्रीन पर गिरती है, फॉल्स ऑन द स्क्रीन। तो अब आप देखोगे कि आपको पार्टिकल्स दिखेंगे और पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में, देखा होगा आपने कभी लाइट में थोड़े कण दिखेंगे आपको, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, वो कैसा मोशन कहलाएगा, जिगजैग, कैसा कहलाएगा, जिगजैग, और इसे ही जिगजैग मोशन बोला जाता है। देखिए आगे डायग्राम आप लोगों को बता रहे हैं, डायग्राम ऑफ, ठीक है, डायग्राम ऑफ जिगजैग मोशन, ठीक है, जिगजैग मोशन, ठीक है, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स COLLOIDAL कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग क्या डलवाई राहुल सर ने, कि डायग्राम ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। अब आपको डायग्राम बना करके बता रहे हैं, तो जिगजैग मोशन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है जिगजैग मोशन में, देख लीजिए आप, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से एक लाइन निकाल दी, बिल्कुल स्केल की हेल्प से बनाना है, ध्यान रखना आर आर तिरछा कैसे भी नहीं होना चाहिए, मतलब स्केल की हेल्प से होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहां से ये पार्टिकल्स यहां मूव कर गए, ठीक है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, यहां से इधर भेज दिया, ठीक है, तो सबसे पहले कहां से आई लाइट, यहां से आई, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है, उसके बाद इसमें आई, फिर किसमें आई, फिर यहां गई, देख लीजिए मैं आपको दिखा दूं जानकारी के लिए, आप लोगों को बता दूं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, देख लीजिए डायग्राम दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या हुआ, ये मैंने यहां पर लाइन बनाई है और एरो बनाया नीचे की तरफ, देख लीजिए एरो बनाया, फिर यहां से यहां ऊपर की तरफ एरो बनाया, फिर इधर एरो बनाया, ठीक है, यहां से जाने के बाद मैं इसको क्या करूंगा,
इधर की तरफ मैंने नीचे कंटिन्यू कर दिया जिगजैग जिगजैग मोशन करना कैसे भी कर दीजिए आप, ठीक है। फिर इधर एरो बना दिया एरो। फिर इसके बाद क्या किया मैंने, इधर की तरफ कर दिया, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कर दिया आपको इधर कर दिया, ठीक है, क्लियर है। इधर करने के बाद मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, आगे के लिए समझ में। तो देखिए सबसे पहले यहां से आया यहां गया और यहां गया, ठीक है। इसके बाद मैंने नीचे की तरफ एरो बना दिया, इसके बाद इधर की तरफ एरो बना दिया, इसके बाद ऊपर की तरफ बना दिया। अब पार्टिकल्स इधर आ गए तो मैंने यहां नीचे की तरफ बना दिया, फिर इधर की तरफ बना दिया, फिर ऊपर की तरफ बना दिया। बस इस तरीके से चलता रहेगा और कुछ नहीं है इसमें, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ, ये इधर, ये जिगजैग मोशन ही चल रहा है, देख लीजिए यही होता है जिगजैग मोशन, ठीक है, इस तरीके से, बस ये जिगजैग मोशन होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से निकाल दिया, बस ये जिगजैग मोशन है, देख लीजिए। सबसे पहले यहां से मतलब आपको पार्टिकल्स इधर उधर मूव करने, देख लीजिए पार्टिकल्स इधर उधर मूव करने, सबसे पहले एरो नीचे, फिर इधर, फिर इधर है, फिर नीचे की तरफ, फिर राइट में, फिर अप की तरफ, फिर डाउन में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर इधर। तो ये देख लीजिए एरो तो यहां से आई और यहां तक चली गई, ये क्या है, जिगजैग मोशन कहलाता है कोलाइडल पार्टिकल्स का। इसके बाद देख लीजिए आपको नोट डाल करके हेडिंग लिखिए NOT, नोट डाल करके आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए इन दिस मोशन, या बोल दीजिए दिस मोशन, कौन सा मोशन, जिगजैग मोशन, कौन से मोशन की बात हो रही है, जिगजैग मोशन। दिस मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड, OBSERVED ऑब्जर्व्ड, ठीक है। किसमें लेते हैं इन्हें, डार्क रूम, क्योंकि ये डार्क रूम में ही पॉसिबल है, डार्क रूम, ठीक है। क्या लिखा है राहुल सर ने यहां पर, लिखवाया दिस मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ डार्क रूम RWM वेयर, ठीक है, वेयर ए रे ऑफ, RAY रे का मतलब किरण, वेयर रे ऑफ, देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरी हिंदी इतनी ज्यादा बेटर नहीं है, वेयर ए रे ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट एंटर्स, ENTERS एंटर्स, ठीक है, किसमें एंटर करती है, द रूम, जिसमें अंधेरा है, जिसमें डार्कनेस है, एंटर द रूम, किसके थ्रू एंटर करती है, थ्रू, ठीक है, THROUGH थ्रू ए स्मॉल, अब मैंने क्या कर दिया उसमें, हॉल कर दिया, या मैंने बोल दिया ऊपर की तरफ एक विंडो लगी हुई है छोटी सी, उसमें हॉल है, तो आप किसी भी थ्रू एंटर कर सकती हैं। तो यहां पर लिखा है दिस मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ए डार्क रूम, ठीक है, वेयर ए रे सनलाइट एंटर्स द रूम थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग एंड OPENING ओपनिंग, ठीक है, एंड, ठीक है, ANDED एंड, ठीक है, एक फिल्म लगा दी मैंने, इन अ फिल्म, फिल्म से मतलब कोई मूवी नहीं लगाई है मैंने उस कमरे में, ये मत सोच लेना कि सर ने मूवी चला दी कमरे में, मूवी नहीं है ये, फिल्म को मतलब एक पतली झिल्ली है या स्क्रीन है, क्या है, एक स्क्रीन है, ठीक है। आगे देखिए फिल्म, ठीक है, या फिल्म थिएटर, ठीक है, फिल्म थिएटर बोल सकते हैं, जैसे वो लगाते थे ना पुराने जमाने में फिल्म थिएटर, एक स्क्रीन लगा दिया, पर्दा लगा दिया, ठीक है, फिल्म थिएटर, ठीक है, एक फिल्म थिएटर लगा दिया, मतलब एक जैसे प्रोजेक्टर, देखा आपने, प्रोजेक्टर लगा दिया, फिल्म थिएटर की जगह प्रोजेक्टर लिख सकते हैं, वेयर ए बीम, BEAM बीम ऑफ लाइट। अरे कभी आपने देखा होगा, आप कमरे में जाते हो, बिल्कुल अंधेरा है उस कमरे में, एक बिल्कुल जगह नहीं है, और आपने देखा होगा एक हॉल, जैसे एक खिड़की खुली है थोड़ी सी, और आपने टॉर्च जलाई, तो टॉर्च में देखोगे कि टॉर्च की लाइट में कई सारे आपको पार्टिकल्स दिखेंगे इधर उधर मूव करते हुए, तो वो जो मोशन होता है उस पार्टिकल्स का, उसे बोलते हैं जिगजैग मोशन। अब तो आ गया समझ में, टॉर्च को जलाते हैं, टॉर्च की लाइट में आपको कई सारे पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हुए नजर आते हैं, तो वो जो मोशन होता है वही जिगजैग मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, वेयर ए बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ए बीम ऑफ लाइट, ठीक है, विच फॉल्स, ठीक है, ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ऑन द SCREEN, ऑन द स्क्रीन शोज SHOWS शोज, यानी कि दिखाना, SHOWS शोज जिग जैग मोशन, ठीक है, जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, PAR
TICLE zigzag motion of particles, ठीक है। यहाँ पर आकर के ये कंप्लीट होता है, अगेन आई रिपीट नोट डाल करके लिखवाया राव सर ने, दिस मोशन कैन बी ऑब्जर्व इन अ डार्क रूम वेयर ए रे ऑफ सनलाइट एंटर्स द रूम थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग एंड इन ए फिल्म थिएटर वेयर ए बीम ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द स्क्रीन शोज SHOWS शोज, ठीक है, जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यहां तक राहुल सर ने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। आगे का 6 पॉइंट लिखिएगा, अभी प्रॉपर्टीज ही चल रही है, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, प्रॉपर्टीज ही कंटिन्यू चल रही है। कितने पॉइंट लिखवा दिए राहुल सर ने यहां तक, फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट किया था, इसके बाद ये नोट भी फिफ्थ पॉइंट में ही। सिक्स पॉइंट लिखिएगा आप कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, अभी प्रॉपर्टीज ही चल रही है, COLLOIDL कोलाइडल, ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है SOLUTIN कोलाइडल, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन क्वाइट स्टेबल होता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही रुक जाएगा, क्वाइट स्टेबल, यानी कि ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। और आगे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, यदि आप कोलाइडल सॉल्यूशन को छेड़खानी भी करोगे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो ऐसा नहीं है कि उसको आप छेड़ नहीं रहे, ऐसे कि ऐसे सॉल्यूशन रखो और पार्टिकल्स नीचे चले जाएं, ऐसा कभी नहीं होता है, इट नेवर बी हेल्ड, ठीक है। द पार्टिकल्स PARTICLES द पार्टिकल्स डू नॉट, ठीक है, डू नॉट सेटल SETTLE डू नॉट सेटल, यहां पर लिखवाया द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन DOWN सेटल डाउन, ठीक है। When left, LEFT when left undisturbed, UNDISTURBED undisturbed, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 7 पॉइंट, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है अ कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट की जो बीम होती है जब आप उनसे पास करोगे, उस सॉल्यूशन से लाइट की बीम पास करोगे तो वो क्या करेगा, स्कैटर यानी कि बिखेर देगा, SCATTER स्कैटर कर देगा, SCATTERS स्कैटर्स कर देगा, ठीक है। तो क्या लिखवाया राहुल ने, अ कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर्स, ठीक है। आगे लिखिएगा द बीम ऑफ लाइट The beam of light, जब इसे पास करोगे, PASSING पासिंग थ्रू THROUGH थ्रू इट, ठीक है, थ्रू इट, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, कॉमा लगा करके लिखिएगा मेकिंग, ठीक है, जो पाथ बनेगा वो आपको दिखेगा, तो मेकिंग द पाथ PATH मेकिंग द पाथ विजिबल VESIBLE, ठीक है। अब लगा दीजिए आप फुल स्टॉप। तो यहां पर राहुल सर ने लिखवाया कि 7 पॉइंट में अ कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, कॉमा लगा करके लिखा है मेकिंग द पाथ विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडल, आपने देखा होगा टिंडल इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड, लिखिएगा और इस पर इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, 7 पॉइंट मैंने भूल गया था मैं लिखवाना, 7 पॉइंट में इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, दिस आगे लिखिएगा दिस इज कॉल्ड CALLED दिस इज कॉल्ड टिंडल TYN, ठीक है, DADALL टिंडल और इफेक्ट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो 7 पॉइंट मोस्ट इसलिए क्योंकि जब कोलाइडल सॉल्यूशन से आप कोई बीम ऑफ लाइट यानी कि टॉर्च पास करोगे, टॉर्च का फॉक्स मारोगे तो वो क्या करेगा, इनको स्कैटर कर देगा, ठीक है, और एक विजिबल पाथ बनाएगा, आपको आर पर एक रास्ता दिखाई देगा आपको, और इसे बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। इसका भी मैं डायग्राम बना करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, इसका भी मैं डायग्राम आप लोगों को बना करके बताऊंगा, ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में भी राहुल सर बताएंगे, ठीक है। तो आगे देखिएगा, यहां तक आपके कंटिन्यू हो ही चुका था, ठीक है, यहां तक लिखवाई दिया था आप लोगों को कि मेकिंग द पाथ विजिबल दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो आगे आप इसमें लिख सकते हैं, यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, यहां पर हेडिंग डाल सकते हो आप लोग, ठीक है, डायग्राम ऑफ, हेडिंग डाल दीजिए आप डायग्राम ऑफ, ठीक है, यहां पर हेडिंग डाल दीजिए आप लोग डायग्राम ऑफ, ठीक है, टिंडल TYNDALL टिंडल इफेक्ट, डायग्राम ऑफ टिंडल इफेक्ट, ठीक है।
और अंडरलाइन करके देख लीजिए, डायग्राम ऑफ टिंडल इफेक्ट अंडरलाइन करके डैश लगा दीजिए। आगे के वीडियो में मैं इस टिंडल इफेक्ट को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ विद डायग्राम के साथ, ठीक है। तो आप लोग भी बनाइएगा, स्केल की हेल्प से बनाइएगा डायग्राम, ठीक है। आपको क्या करना है, टिंडल इफेक्ट में कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर दो बीकर ले लूंगा, ठीक है। मैंने दो बीकर ले लिए, स्केल की हेल्प से दो बीकर ले लिए, ठीक है। और आपको बीकर भी स्केल की हेल्प से ही बनाने हैं, ठीक है। आज की वीडियो में अगर ये डायग्राम नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाता है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको जब तक कि कंटिन्यू है तो आप बीकर बना लीजिए, ठीक है। आप बीकर को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, बीकर को कंटिन्यू कीजिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सीधे बनाने हैं आपको, स्केल की हेल्प से बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से बीकर को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। कंटिन्यू कर लीजिए बीकर को। अब आपको क्या करना है, इस बीकर को, बीकर की शेप दीजिए उसे, ठीक है। बीकर की शेप कैसे दोगे आप, इस तरीके से उसे बीकर की शेप दीजिए, ठीक है, ठीक है। बीकर की शेप दे दीजिए, ठीक है। इसे भी बीकर की शेप दे दीजिए आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही इस पे मैं इसको बीकर की शेप दे देता हूं, ठीक है। एक सेकेंड आप भी देते रहिए, साथ के साथ बनाते रहिए, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी डाउट हो तो राहुल सर से कभी भी किसी भी वक्त एट एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। बट राहुल सर आप लोगों को बहुत हाई स्टैंडर्ड से लेके चल रहे हैं, तो आप लोग भी घर पे रह करके इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, आपको सॉल्यूशन भर देना है, ठीक है। विजिबल पाथ बनते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर भर दिया, ठीक है। आपको विजिबल पाथ भी यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये तो है ट्रू सॉल्यूशन, ये कैसा दिखेगा, ये दो सेकंड वाले बीकर में ट्रू सॉल्यूशन और इसमें है कोलाइडल। पहले वाले में कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, टॉर्च की हेल्प से इस पर हम लाइट डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे। सो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, थैंक यू, बाय बाय।